When I'm Dead, My Dearest by Christina Rossetti. So the first thing I want to tell you about her, or in fact, you know, ये जो आप दो साल से आप English compulsory course पढ़ रहे हैं तो इस पूरे course में तीन papers हैं but दो literature के थे and this is the only woman writer you have. बाकी सब क्या है Male writer से चाहे वो India के थे या फिर England के या कहीं के भी ऐसा क्यों है औरतें क्या नहीं लिखती थी या लिख नहीं पाती थी एज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर इन फर्स्ट ईयर क्या है उस समय अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी वेमेन आर सपोज टू जस्ट सिट इन द हाउस और जस्ट बी लाइक यू नो थ्रिटी थिंग्स तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू बिकम साइंटिस्ट और राइटर्स और वॉट एवर सो इसीलिए क्या है आप जो नाइनटीन सेंचुरी के पहले देखेंगे तो एनी फील्ड यू टेक यू वोंट फाइंड एनी वेमेन बिकॉज ऑब्वियसली पेट्रिया की सो दैट्स वाई यू नो आई कीप सेंग जैसे मोस्ट ऑफ़ यू आर गर्ल्स इन दिस कॉलेज हमारे क्या है एट्टी एटी फाइव परसेंट स्ट्रेंथ आई थिंक लड़कियाँ हैं तो लाइक यू नो आई कीप सेंग दिस टी ये जो आपकी आज़ादी है जो आपके प्रिविलेजेज़ है इसके लिए क्या है आपके पहले औरतों ने बहुत क्या है संघर्ष किया है सो यू शुड रियली अप्रीशिएट दिस एंड दैट इज़ वाई यू नो यू ऑल्सो नीड टू वर्क हार्ड एंड कंटिन्यू दिस chain of success and inspiration right so anyhow yeah coming back to christina rossetti 1830 to 94. so unlike Johamari previous kavita thi when we were talking about walt whitman who came from a very ordinary child uh, family ye jo christina came from an artist family in father be poet or in khe jo behen especially her older brother dante was an artist a very famous and artist and poet उनका एक प्री रेफेलाइट ग्रुप था और वो लोग एक क्या है एक मैगज़ीन एक जर्नल चलाते थे कॉल्ड द जर्म और उसी में क्या है क्रिस्टीना रोजेटी की पहली कविता छपी थी हर मोस्ट फेमस वर्क इज़ गॉबलिन मार्केट एंड अदर एंड अदर पोम्स 1862 में छपी थी ये कलेक्शन इनका संग्रह और इसे क्या है इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ लाइक यू नो दो अर्ली पीसज ऑफ फेमिनिस्ट राइटिंग्स Now let's come to the poem. It's a very short and simple poem, very sweet poem. It's a love poem. When I dead my When I'm Dead, my dearest. Ek that it's a very simple poem, you know. Choti those stanzas. But also at the same time, it's very deep, you know. Emotions. It's like about visions of after-death situation. और एक तरह से आप देखेंगे दिस पोम इज़ वेरी इमोशनल इट्स डीपली इमोशनल बट नॉट मेलोड्रामे नॉट मेलोड्रामेटिक यानी फालतू की सेंटिमेंटैलिटी नहीं है जैसे क्या है आपको बॉलीवुड की कहानियाँ इस तरह की कहानियों में पुरानी कहानियों में मिलेंगी लाइक यू नो जीने मरने की कस्में इस तरह इनफैक्ट लाइक यू नो क्रिस्टीना टेक्स अ वेरी रियलिस्टिक या फिर वेरी मेच्योर सॉरेफर स्टांस ऑन दीज थिंग्स जैसे कि क्या है नॉर्मली क्या है जीने मरने के साथ है ये वो क्रिश्चिया रोजेटी का तो क्या है कि अगर तुम कोई अगर वन ऑफ द लवर्स डाइज अगर जैसे कल क्या है लवर्स में एक कोई मर जाता है सो so ठीक है याद रहे ना रहे उस तरह की बात है यू नो एंड इट्स अ वेरी सो दैट वे लाइक यू नो इंस्टेड ऑफ फॉल्स सेंटीमेंटलिटी वो जो होता है यू नो विद पिंक हार्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट जो ग्रीटिंग कार्ड टाइप का जो प्यार जो बोलते हैं शी इज़ ऑल अबाउट यू नो फ्री चॉइस और जहाँ तक डेथ की बात है इट्स मोर अबाउट यू नो नी तो आमतौर क्या है देर इज अ फियर ऑफ डेथ बट इन दिस पोम यू कैन सी एन एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ मौत को कहीं ना कहीं स्वीकारना कि ये जो अब जो लिविंग एक्सपीरियंसेस है जैसे कि पक्षियों का के गीत को सुनना या फिर क्या है बारिश को महसूस करना ये सब क्या है मृत लोक में ये सब नहीं एक्सपीरियंस होगा एंड द पोएट और द नेरेटर द वॉइस ऑफ एक्सेप्ट दैट एंड फाइनली जो एक और पॉइंट है यू नो यूजली औरतों को आप क्या जो पुरानी कहानियों में हमेशा विमेन आर सोना शोना सब मिसेव या फिर क्या है वेरी सेंटिमेंटल कि हाँ प्लीज़ मुझे प्यार करो या फिर मुझे छोड़ो मत एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस कविता में देर अ सर्टन इन डिफरेंस और क्या है क्रिस्टीना सो दैट वे फेमिनिस्ट लाइक क्रिटिक्स हैव सीन इट सॉर्ट ऑफ एन ऑफ वुमेन्स चॉइस कि हाँ ठीक है मैं भी क्योंकि द द पोएम एंड्स ऑन दैट दैट नोट फर्स्ट टाइम में वो अपने लवर को कह रही है कि शायद तुम याद रखो या ना रखो but end me, yahokare shayad mein yaad ya na rahun. so, yeah, that's it. and now let's get, get on to the poem. when i am dead, my dearest, sing no sad songs for me. plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. be the green grass above me with showers and dewdrops wet. and if thou wilt remember, and if thou wilt forget, i shall not see the shadows, i shall not feel the rain.

सुशीत सिंह जैसे वेन आई एम डेट डोंट सिंग एनी सैड सॉन्ग सोनी मेरे लिए कोई जो सैड गीत मत गाई है जो कि क्या है अक्सर कई कल्चर्स में होता है प्लान दो रोज एट माई हेड मेरी कब्र पे क्या है क्रिश्चियस आर बॉडी डज यू नो इन ग्रेव्स तो कब्र पर क्या है कोई फूल छोड़ने की जरूरत नहीं है नॉट शेडी साइप्रस ट्री साइप्रस ट्री सरु का पेड़ या जूनीपर का भी एक उसकी वेराइटी है अब जैसे यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या है वेस्टर्न कल्चर्स में इसे इट्स सपोज टू बी अ सिंबल ऑफ़ मॉर्निंग तो ज़्यादातर कब्रों सिमेट्रीज में इसे लगाया जाता है एट बट जैसे दैट इज़ अगेन डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट कंटेक्ट हमारे यहाँ पे तो फॉर इंस्टेंस लाहौल में इट सपोज ए सीक्रेट प्लांट यू नो पूजा अनुष्ठानों में इसे जला के इसकी जो बड़ी अच्छी स्मेल आती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है सो या सुशी सिंह जब मैं मर जाऊँगी तो ये सब जो आम तौर पे लोग करते हैं जो बाहरी चीज़ें करते हैं जैसे फूल रखना पेड़ लगाना या गीत गाना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो इस तरह से एक जेन्यन इमोशन लाओ मुझसे जुड़ जाओ कैसे जैसे कि जो मेरी कब्र पे जो हरी घास होगी जो क्या है पानी बारिश और जो ओस ड्यू ड्रॉप से जो गीली घास है तुम उसकी तरह मेरी मेरे साथ जुड़ जाओ करना है तो क्या है असली कनेक्शन होना चाहिए बेसिकली एंड इफ दाओ विल्ट रिमेंबर एंड इफ दओ विल्ट फोगेट और अगर क्या है तुम याद रखना चाहो मुझे तो याद रखो वरना भूल जाओ अब क्या है वो अब यहाँ तक तो वो लवर से बात कर रही थी अपने नाव शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ वो अपनी ही अब क्या है मरने के पश्चात वो किस दुनिया में जाएंगी व्हाट्स सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड व्हाट्स स्टेट ऑफ कॉम माइंड शील बीन उस कॉन्शियसनेस शील बीन उसके बारे में ये अब कृष्णा रोजाइटी सोच रही हैं तो अब जो नॉर्मल जो ये क्या है जो हमारी ऑर्डनरी दुनिया जो जीवित लोग जिसमें जीते हैं यू you नो know, सेंशुअल दुनिया जिसमें आप चीज़ें सेंस कर सकते हो देख सकते हो सुन सकते हो टेस्ट करते हो फील करते हो तो मरने के पश्चात ये सब क्या है चला जाएगा और इन्हीं चीज़ों पर क्रिश्चन इज थिंकिंग आई शेल नॉट सी द शेडोज आर वर्ल्ड यू नो दिस फिजिकल वर्ल्ड विजुअल जो जिस तरह से हम परसीव करते हैं क्या है लाइट एंड शेडो सो बोल रहे ये सब मुझे नहीं दिखेगा आई शेल नॉट फील द रेन बारिश का एहसास मुझे नहीं होगा आई शेल नॉट हियर द नाइट इंगेल सिंग ऑन एज इफ इन पेन जो नाइट इंगेल या फिर जो बुलबुल -बुल का जो शायद जो प्लेन टिव दर्द भरा गीत है वो भी मैं नहीं सुन पाऊंगी बट इसमें क्या है उन्हें कुछ ज़्यादा दुख नहीं है इन चीज़ों का जो कि हम आगे देखेंगे अब वो क्या सोच रही है लेकिन ये सब तो ठीक है चला गया लेकिन फिर होगा क्या अगर सेंसेस नहीं रहेंगे तो कैसा है तो उन क्रिश्चिना रोजेटी के मुताबिक क्या है जो डेथ का स्टेट होगा जो डेथ की स्थिति होगी वो कैसा होगा इट विल बी लाइक अ ट्वाइलाइट डॉट नॉट राइज नॉट सेट ट्वाइलाइट क्या हुआ डस्क टाइम जब क्या है सूरज डूब चुका है लेकिन अभी अंधेरा नहीं हुआ है सो so, अकॉर्डिंग टू हर द स्टेट ऑफ डेथ विल बी समिंग लाइक दैट ना कभी दिन होगा ना रात होगी बस एक ही एक जगह पे फसे रहेंगे और उसमें क्या है कृष्ण रजोटी का शरीर सेंसेस तो होंगे नहीं बट शील जस्ट बी ड्रीमिंग उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इल जस्ट बी ड्रीमिंग थ्रू द टॉयलाइट यू नो उस स्टेट के मौत में क्या है एक स्वप्न की तरह होगा और इसी के बारे में क्या थी वो जो ये जो इन सब चीज़ों के बारे में चाहे अपना लवर हो या जिस दुनिया को जीवित दुनिया को छोड़ चुकी होंगी शायद वो उसे याद रखे या फिर शायद भूल जाए सोया द ब्यूटिफुल पोएम रीड इट अगैन बाई योर सेल्फ एंड बाकी फिर प्लीज टेक अ लुक एट द एक्सरसाइज रेफरेंस टू कंटेक्सट एनी डाउट हैबाउट एनी ऑफ द क्वेश्चन लेट मी नो एंड थैंक यू